बाल गोविंद छपरा में धड़ल्ले से कच्ची शराब की धधक रही है भट्टियां, जिम्मेदार है बेखबर। कोरोना वायरस को लेकर सरकार इस महामारी से निपटने के लिए अनेकों प्रकार के आदेश पारित कर रही है, लेकिन अवैध शराब कारोबारियों के हौसले इस महामारी में भी पीछे नहीं है। अब खबर विस्तार से। कुशीनगर उत्तर प्रदेश। कुशीनगर जनपद के थाना खड्डा तहसील के अंतर्गत ग्राम सभा भैसहा के मौजा बाल गोविंद छपरा में अवैध शराब कारोबारियों का मामला प्रकाश में आया है, जो रात में धड़ल्ले से चार से पाँच जगह कच्ची शराब की भट्टियां बेखौफ चलती हैं। माफियाओं द्वारा सक्रियता से रात में कच्ची शराब बनाकर घोर होते होते नदी के इस पार हो या उस पार खेत के रास्ते कारोबारियों को माल पहुंचा दिया जा रहा है। नदी किनारे बसे ग्राम सभाओं में जैसे मदनपुर सुकौली मेहरिहारी नंबर एक भैसहा कोटवा टोला हनुमानगंज गंगावा छपर लक्ष्मीपुर पदहवा नौतार जंगल मरचहवा शिवपुर बकुलादा नारायणपुर इत्यादि गांवों में अवैध लोगों द्वारा कच्ची दारू की बिक्री धड़ल्ले से किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार नदी उस पार खड्डा थाना क्षेत्र के शिवपुर चौकी है, लेकिन कच्ची शराब माफियाओं को कोई प्रशासन का डर भय नहीं है। आखिर क्यों पुलिस प्रशासन छापेमारी कर रही है लेकिन खाली हाथ लौटकर चली जा रही है, फिर भी कच्ची शराब का कारोबार जोरों पर फल फूल रहा है। कच्ची शराब माफियाओं के हौसले बुलंद हो रहे हैं। मुखबिर के मुताबिक अवैध कारोबारियों द्वारा कहा जाता है कि जब संबंधित अधिकारियों को उनका हिस्सा दिया जा रहा है तो हम लोगों को डरने का कोई मतलब ही नहीं। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या इन कारोबारियों के ऊपर प्रशासन नकेल कस पाएगी। उपरोक्त मामले में पुलिस अधीक्षक कुशीनगर ने बातचीत के दौरान बताया कि अवैध कच्ची शराब कारोबारियों के बारे में जानकारी नहीं थी, मामला हमारे संज्ञान में आया है अवैध कारोबारियों के खिलाफ और इससे संबंधित लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। KK News 24 खड्डा कुशीनगर उत्तर प्रदेश से मनोज पांडेय।